हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल मन पेंटिंग्स। आज मैं आपको एक इजी ड्राइंग के ऊपर कलरिंग करके दिखाऊंगी और आपने भी ऐसे ही करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमने सिंपली एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ किया है। अब इसके ऊपर आप खुद शेप बनाओगे ऐसे। और इसकी कितनी लेग्स होती है? आई थिंक इसकी 6 लेग्स होती है। तो हमने लेग्स के लिए सिंपली 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लाइंस लगानी है। ओके, और यहाँ पे हम आईज के लिए सर्कल ड्रॉ करेंगे। अगर आपसे बिल्कुल राउंड सर्कल नहीं बनता है, आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो, वो आपकी हेल्प कर देंगे। यहाँ पे आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए आप चाहो तो स्केल की हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे आपने ऐसे और ऐसे शेप बनानी है और बीच में आपने छोटे बड़े साइज के फाइव और सिक्स जितने मर्जी सर्कल बना लें, छोटे बड़े साइज के। ठीक है, तो एक चीज तो हम भूल गए, उसकी स्माइल और उसकी मूछें। ये देखो, राइट। और हमारा लेडी बग की आउटलाइन रेडी। अब इसमें हमने सिंपली कलर करना है। सो आई एम पिकिंग ब्लैक फॉर ऑल द सर्कल्स। ये जितने भी सर्कल अंदर बनाए हमने, इसमें ब्लैक कलर को फिल करना है। आप क्रेयॉन कलर लोगे और इसके बीच में कलरिंग करोगे। पहले बाहर से स्टार्ट करो, आउटलाइन से, ताकि ब्लैक कलर आउटलाइन से बाहर ना जाए। बहुत ध्यान से करना है और फिर इसके अंदर आराम से कलरिंग कर सकते हो। आउटलाइन, इसको डार्क करो और फिर अंदर फटाफट कलरिंग कर लो। बस आउटलाइन से बाहर आपका कलर नहीं आना चाहिए। मैंने तो फटाफट से सारे सर्कल फिल कर लिए, साथ में ये जो नीचे एक शेप बनाई थी उसको भी फिल कर दिया है, और इधर भी इसको भी पूरी तरह से ब्लैक कर लिया है। अब जो आईज के बीच में मैंने ये स्मॉल सर्कल ड्रॉ किया है, इसको आपने सिर्फ इसके अंदर ही कलर करना है। पूरी आई के बीच में कलर नहीं करना है, सिर्फ इसके अंदर कलर करना है, पूरी आईज के बीच में कलर नहीं करना है। गुड। और अब इसका फेस है, तो मैंने जितनी बार भी लेडी बग को देखा है उसका फेस तो ब्लैक होता है, तो फिर हम इसको भी ब्लैक करेंगे। इसको पहले आउटलाइन, पूरी आउटलाइन। अरे हमारी तो स्माइल छुपने वाली है, तो स्माइल के लिए हम इसको और इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं और बाकी का सारा कलर इसको करके कंप्लीट करते हैं। तो मैंने इसका फेस पूरा ब्लैक कर दिया है और अब इसकी लेग्स के ऊपर भी छोटे छोटे सर्कल बना रही हूँ। डन। अब लास्ट में जो लेडी बग का अपना कलर होता है, रेड कलर, वो करना है। और ये सभी सर्कल के आसपास पहले आप रेड आउटलाइन करोगे, ताकि जब आप रेड कलर फास्ट करोगे तो वो ब्लैक के अंदर एंटर ना हो। सभी सर्कल्स के पास आपने ये रेड कलर से आउटलाइन करना है, और साथ में ये आउटर पार्ट जो है इसका, यहाँ पे भी।
तो मैम ने तो फटाफट से सारे सर्कल के आसपास रेड कलर कर लिया है। अब मैं इजीली इसको ऐसे कलरिंग कर सकती हूँ, फास्ट क्विक, और मुझे अब डर भी नहीं है कि मेरा कलर बाहर निकलेगा। इजन दिस इंटरेस्टिंग, देखो कितना अच्छा लग रहा है। सो आई एम फिलिंग दिस ऑल। आप चाहो तो पहले रेड कलर कर लो सारा, और उसके ऊपर आप ब्लैक सर्कल्स में कलर कर सकते हो। ऐसे करने से अगर आपका रेड कलर ब्लैक के अंदर सर्कल के अंदर एंटर भी हो गया ना, तो भी ब्लैक कलर के पीछे छुप जाएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्लैक बहुत डार्क कलर होता है। मैं तो भाई ये वाली लाइन जो है सेंटर में, उसको डार्क करने वाली हूँ। आपकी मर्जी है, आप उसको डार्क करो या ऐसे ही रहने दो। मैं इसको ब्लैक कर रही हूँ। तो मेरा तो क्यूट सा लेडी बग रेडी हो गया है। अब आपकी बारी है, सो डू दिस। सर्कल आप बनाओगे किसी भी बड़ी बैंगल या किसी लिड की हेल्प से, किसी किसी भी उसके ढक्कन से, या बड़ों की हेल्प से, ठीक है। वो ड्रॉ करने के बाद स्मॉल सर्कल, अगर आप खुद पूरे राउंड नहीं बना सकते हो, तो वो आपको मामा ड्रॉ करके देंगे। बाकी कलरिंग आपने अपने आप करनी है, और अच्छी कलरिंग करनी है, मेरे से अच्छी कलरिंग करनी है। ओके, टेक केयर, बाय, एंड सब्सक्राइब माय चैनल मन पेंटिंग्स।